नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमी टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन के अंदरूनी इलाके मंगोलिया में जन्मा है BF7, अब दूसरे शहरों में BA5.2 वेरिएंट फैल रहा। बिहार जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने आरोपी रामबाबू को पकड़ा। उड़ीसा में रहस्यमय मौतें बनी सिरदर्द, एक और रूसी नागरिक लापता होने से हड़कंप। जानेंगे खबरों को विस्तार से। कोरोना संक्रमण को लेकर डेटा साझा करने के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड GISAID ने भारत सहित दुनिया के सभी सदस्य देशों को सतर्क किया है। बोर्ड ने शुक्रवार को अपने सदस्य देशों को जानकारी दी कि चीन के बीजिंग और फुजियान में कोरोना के जिस BF7 स्वरूप का प्रसार सबसे अधिक बताया जा रहा है, जिसका जन्म संभावित रूप से अंदरूनी मंगोलिया में हुआ है। वहीं चीन के दूसरे शहरों में फिलहाल BA5.2 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और इसी के साथ अमेरिका में भी एक नया वेरिएंट मिला है जिसे XBB15 नाम दिया गया है। अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट एरिक डिंग ने कहा, अमेरिका में कोरोना का नया वेरिएंट XBB15 तबाही की नई वजह बन सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि चीन के हालात ज्यादा स्पष्ट नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अभी अधिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। GISAID की रिपोर्ट से प्रारंभिक तौर पर पता चल रहा है कि वहां कोविड के कई स्वरूप प्रभावी हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार में जहरीली शराब पिलाकर 80 लोगों की जान लेने वाले आरोपी को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी बिहार में जहरीली शराब परोसने का मास्टरमाइंड है और इसके खिलाफ 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौत होने के बाद आरोपी दिल्ली आ गया था और दिल्ली के द्वारका इलाके में छुपकर रह रहा था। अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर संजय कुमार की टीम को जब इसकी सूचना मिली तो तुरंत इस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा में पुतिन विरोधी एक रूसी सांसद समेत 2 रशियन की रहस्यमय मौतों के बाद अब एक और रूसी लापता हो गया है, जिसको लेकर राज्य में हड़कंप मच गया है। बता दें कि रूसी नागरिक के लापता होने का मामला शुक्रवार का है। दरअसल रूसी सांसद एंटोन पावेन व उनके एक मित्र की मौत की जांच को लेकर पहले से ही उड़ीसा पुलिस मुश्किल में है। अब इस तीसरी घटना ने मुसीबत और बढ़ा दी है। इस कारण राज्य पुलिस इंटरपोल की मदद लेकर इन घटनाओं की गुत्थी सुलझाना चाहती है और जल्द ही इंटरपोल से मदद मांगी जा सकती है। इस बीच रूसी नागरिकों द्वारा यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन के खिलाफ उड़ीसा में प्रदर्शन की खबर भी मिली है। एक रूसी नागरिक के हाथों में तख्ती थी जिस पर लिखा था, यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकी जाए। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।